नमस्कार। देश में लाखों युवाओं को भारत सरकार की नौकरी देने का अभियान लगातार जारी है। आज 50,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम और प्रतिभा का नतीजा है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आप राष्ट्र निर्माण की उस धारा से जुड़ने जा रहे हैं जिसका सरोकार सीधे जनता जनार्दन से है। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर आप सभी को बड़े बड़े दायित्वों का निभाना है। आप जिस भी पद पर रहें, जिस भी क्षेत्र में काम करें, आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग ही होनी चाहिए। साथियों, कुछ ही दिन पहले 26 नवंबर को देश ने संविधान दिवस मनाया है। यही वो तारीख है जब 1949 में देश ने सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने वाले संविधान को अपनाया था। संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सबको एक समान अवसर देकर सामाजिक न्याय स्थापित किया जाए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लंबे समय तक देश में समानता के सिद्धांत की अनदेखी की गई। 2014 से पहले समाज के एक बड़े वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया था। 2014 में जब हमें देश ने सेवा करने का मौका दिया, सरकार चलाने की जिम्मेवारी दी, तो सबसे पहले हमने वंचितों को वरीयता इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने का दिशा आरंभ की। सरकार खुद चलकर उन लोगों तक पहुंची जिन्हें कभी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जिन्हें दशकों तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली थी। हम उनका जीवन बदलने का प्रयास कर रहे हैं।